Hi guys, welcome to your channel Mal Tutorials. Here I am Vikas Kumarwa. Today we are watching the English grammar. The lesson is noun, which is very important for the all students, especially 10th, 11th, 12th, basic students or primary students or a competitive students जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तयारी कर रहे हैं उनके लिए ये noun lesson है. संज्ञा सभी लोग हम लोग बचपन में जानते हैं संज्ञा क्या है. नाम वाले शब्द जिनका नाम हो, सिंपल सी बात है. हम लोग बचपन में पढ़े हैं नाउन इज द नेम, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, नाउन इज द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन. ऐसे हमने बहुत सारे डेफिनेशन बच्चों में पढ़े हैं, काफ़ी उनके बारे में जाना है. उनके कितने काइंड्स होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सभी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बचपन में सीखे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है हम लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं. हम लोग का लेसन सिलेबस पाठ पुस्तक सभी बदल जाता है, जिसके कारण से हम लोग इसको दूरी बनाने के साथ साथ इसको भूलने लगते हैं और इसको हम लोग डेली जीवन में यूज नहीं कर सकते हैं, सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, इसका यूसेज नहीं जान सकते हैं, इसका सफिक्स प्रीफिक्स क्या है, इसको हम लोग नाउन का वर्ड को कैसे पहचान सकते हैं, क्या ये नाउन वर्ड है या नहीं. हम कॉमन वर्ड जो भी है जनरली है, एयर, ऑक्सीजन, कोई भी तरह का बेड, बुक, पेन, इसे कॉमन वर्ड जो जानते हैं, बट इससे डिफिकल्ट जो भी वर्ड होते हैं उसको हम लोग कैसे जान सकते हैं. जैसे ह्यूमैनिटी, फ्रेग्रेंस, नेशन, इस तरह का वर्ड को हम लोग कैसे, गुडनेस, इस तरह का वर्ड को हम लोग कैसे पहचानते हैं कि ये नाउन है. सो इसी तरह का जो भी प्रॉब्लम होता है उसी को सोल्यूशन करते हुए, उसका सोल्यूशन निकालते हुए मैं आज आपको नाउन के बारे में बताने वाला हूँ. सो आज मैं स्पेशल डेफिनेशन बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. सो दोस्तों चलते हैं आज का क्या है डेफिनेशन. सो देखते हैं. एनी थिंग इज ए नाउन. कोई भी चीज़ है जो नाउन संज्ञा इसको बोल सकते हैं. एनी थिंग इज ए नाउन डेट कैन बी सीन, डेट कैन बी सीन यानी जिसको देखा जा सकता है. डेट कैन बी टच जिसको छुआ जा सकता है. डेट कैन बी फेल्ट जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं. इज द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग और समबडी. ये काफ़ी एडवांस, ये काफ़ी एडवांस तरीका का या एडवांस सी ए डेफिनेशन है नाउन का. एनी थिंग इज ए नाउन, कोई भी तरह का जो भी वस्तुएं हैं जिसको हम नाउन कह सकते हैं या संज्ञा कह सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं. देखते किसको हैं हम लोग, एनी तरह का ट्री हो गया है, कोई तरह का डोमेस्टिक आर्टिकल्स हो गया. डेट कैन बी टच जिसको छू सकते हैं, किसको छू सकते हैं, वाटर को छू सकते हैं, फ्लोर को छू सकते हैं, जिसको महसूस करते हैं. फेल्ट, फेल्ट किसको, गुडनेस. विंड जितने तरह का ऑक्सीजन गैस, इसको हम लोग क्या महसूस कर सकते हैं. ये एडवांस तरीका का डेफिनेशन हुआ, इसका नोट्स जरूर तैयार करें. एनी थिंग इज ए नाउन दैट कैन बी टच, कैन बी सीन, कैन बी फेल्ट, इज द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग ऑब्लिक समबडी. तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसका एडवांस डेफिनेशन हो गया. फिर मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा कि इसका यूसेज क्या है, इसका उपयोग कहाँ 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 हम इसका उपयोग करते हैं और कैसे हम लोग पहचानते हैं कि संज्ञा शब्द है. सो फ्रेंड्स चलते हैं आगे. यूसेज ऑफ नाउन, हम लोग जनरली जानते हैं कि नाउन दो तरह का होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन क्या, जिसको हम लोग गिन सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन क्या, जिसको नहीं गिन सकते हैं. ये भी हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है. अनकाउंटेबल में क्या होता है, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, स्टार हो गया, हेयर हो गया, इसको ये अनकाउंटेबल हो गया यानी इसको गिन नहीं सकते हैं. और नेक्स्ट क्या है, काउंटेबल. काउंटेबल जैसे कोई तरह का बर्ड, बुक्स, कोई पीपल, चाहे मैन गर्ल हो, ट्रीज हो, इस तरह का जिसको हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन हो गया. इसके बाद नंबर है, इसमें आता है नंबर में सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर. इसके बाद आता है जेंडर, फेमिनिन जेंडर, मास्कुलिन जेंडर,
इसके चार काइंड्स होते हैं। इस तरह से हम लोग बहुत सारा, इसका ये बहुत बड़ा लेसन है, इसको छोटा लेसन नहीं बोल सकते, ये काफी बड़ा लेसन है। ये एक तरह जिस नजरिए से आप इसको देखते हैं, जिस तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये काफी बड़ा और एडवांस लेसन है, चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का। इसके बाद आता है आपका वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो काफी इसके बाद सेकेंड नंबर पे है। उसके बाद आपका आता है एडजेक्टिव, उसके बाद आपका आएगा प्रोनाउन, ये सब छोटे छोटे लेसन। प्रोनाउन तो छोटा लेसन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो है नाउन चैप्टर है। उसके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, जिसमें वर्ब मॉडल्स, कन्जंक्शन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हर तरह का इसमें सब कुछ आता है। उसके बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद प्रोनाउन है। प्रोनाउन के भी 10 काइंड्स लगभग होते हैं, एडजेक्टिव के भी 8-10 काइंड्स होते हैं। उसमें भी प्रीफिक्स सफिक्स होता है, जिनको जिनसे का हेल्प से हम लोग वर्ड को पहचान सकते हैं, उसका हेल्प से हम लोग सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं रेगुलर क्लास में आपको बताऊंगा। सो आज के इस अंक में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बताता हूँ। यूसेज क्या, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं सफिक्स, इसके बाद इसका प्रीफिक्स, ये दो है सफिक्स और ये प्रीफिक्स। सफिक्स में क्या होता है, कुछ सफिक्स को लेते हैं, NES, DOM, ACY, AL, ITY, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनको मैं बताने वाला हूँ। OR, GUE डायलॉग जिसको बोलते हैं, फिर और है आपका ER, उसका ANCE, ENCE, ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिनको हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। MENT, TURE इंफ्रास्ट्रक्चर, CID रेगिसाइड, सुसाइड, ETE, इस तरह का ये सब क्या सफिक्स है, जिनके माध्यम से हम लोग नाम शब्द को काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको फाउंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सफिक्स था। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं नया इस लेसन को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रीफिक्स के बारे में बताऊंगा, फिर इसका यूसेज क्या होता है, कैसे हम लोग यूज करके सेंटेंस बनाते हैं, इसी को कैसे हम लोग कॉमन एरर, फिल अप वगैरह काउंट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आज के अंक में इतना ही। सो नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। मैं विकास कुमार और सभी को धन्यवाद करता हूँ। सो जरूर इसको देखिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन।